अब हम सोचते हैं कि आप तीनों को एक दिन के लिए या किसी थोड़े वक्त के लिए अलादीन का चिराग मिल गया और उसने एक आपकी ख्वाहिश पूरी करनी है, क्या ख्वाहिश होगी आपकी जो आप पूरी करवाना चाहेंगे? अल्लाह की फजल से मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने मतलब है कि पॉलिटिक्स में है और मुझे आज तक मतलब मैं कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, अभी मैं कैबिनेट में मिनिस्टर भी हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ। तो ये ख्वाहिशात होती हैं एक सियासतदान की कि वो एक उसमें पार्टी का तर्जमान भी इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि बड़े कम अरसे में अल्लाह ताला ने मुझ पर जो है मेहरबानी की। हम शुरू में जब मैं मुझे याद है जब हम 2008 में लंदन में थे और मोहतरमा शहीद के साथ हम इंटरव्यूज साथ कर रहे थे और हम न्यू कमर्स थे फर्स्ट टाइम, और हम देखते थे हमारे सीनियर्स होते थे जिस हम कहते हैं पर कोई खुश होती यार ये सीनियर हैं और बड़े फ्रंट लाइन में ये चीज़ें कैसे होगा किस तरह होता है। आज हम खुद उसी जमा काम पे हैं, बिल्कुल उसी फेरिस्त में। तो ये चीज़ें हैं कि जो अच्छा कुछ चीज़ जो आप चाहें कि आपके पास हो, मैं चाहती हूँ कि इस चिराग से आपको फायदा उठा लेना, कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई चीज दुनिया में बड़ी ऐसी। अच्छा मैं ये नहीं है कि कोई मैं कहूँ कि मैं अपनी बड़ा कोई अपने आप की वो प्रेस करूँ, मुझे इस पे कोई शौक नहीं कि मेरे पास कौन सी गाड़ी हो। अच्छा ये मैं इस पे वो किसी चीज का शौक नहीं है। नहीं गाड़ियों के मतलब है कि ये नहीं है कि मेरे पास वो BMW या मर्सिडीज हो, टोयोटा गाड़ी भी हो, जो भी हो, मुझे इस पे नहीं है कि कौन सी गाड़ी और चलती हो, जमीन से 2-4 फुट ऊंची चीज हो चलती हो। समझ लगे कि 2-4 फुट ऊंची जरा बेहतर गाड़ी हो सकती है, जरा बहुत सस्ती वाली तो हो नहीं सकती। नहीं बहुत सस्ती वाली क्या होगी, वो गाड़ी तो माशाल्लाह अभी भी अच्छी है फैसल भाई। यस गाड़ी तो अभी अच्छी है। आसिया आपको सरकारी चराग... अभी भी आपको चराग मिल गया, क्या करेंगी आप? एक ख्वाहिश क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी अपने लिए। अपने लिए मैं चाहूँगी कि मैं किसी तरह भी किसी तरह सरगोधा बलवार रोड मैं कहूंगी वो कोर्ट मोमन वाला रोड बन जाए जल्दी से। जी अमीर अब्बास साहब आपको भी चिराग देते हैं। मैं वैसे देखें मैं वैसे किसी चिराग वगैरह पे यकीन ही नहीं करता, मैं समझता हूँ चिराग वाली सोच ही गलत है ना, ये चिराग के नीचे जो अंधेरा है उसके ऊपर चिराग होनी चाहिए, मेहनत से इंसान को आगे आना चाहिए। अच्छा एक ख्वाहिश एक कौन सी बात है कोई चिराग, देखिए अमीर अब्बास मैं इस चीज से एग्री थोड़ा बहुत नहीं करता हूँ। आप जब एक मकाम पे पहुंच जाते हैं वहां पर फिर आपकी जो है मेहनत नहीं आपकी किस्मत लड़ती है, किस्मत भी ठीक है। चले मिल गया आपको चिराग, आप थोड़ी देर के लिए हमारी बात मान लेना, फिर आप कौन सी खाई फिर चले वो जो पहला आपने सवाल किया था वजीर आज़म भी बन जाए। देखा।